महेश्वरम असेंबली हलके के जितने भी हमारे मुसलमान बुजुर्ग है, भाई बहन है, मैं आप तमाम लोगों को सलाम करता हूं और आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि आप लोग यहां से सविता इंदर रेड्डी जी को जिताइए। हम इसीलिए अपील करते हैं कि हमने तेलंगाना के लिए जद्दोजहद किया, तेलंगाना के लिए लड़ा। उस टाइम भी मैं कंदकूर में कई जगह या इस हैदराबाद में भी कई जगह मेरा तकरीर भी हुआ। मैं उन दिनों कह रहा था हमारे तेलंगाना के जंग में इंसाफ है, नेकी है, नीयत है। अल्लाह के घर में देर हो सकता लेकिन अंधेर नहीं है, और अल्लाह का करम हुआ, तेलंगाना हासिल हुआ। आप लोग एक बात को गौर कर सकते, कांग्रेस की हुकूमत में कदम कदम पे दंगे फसाद होते थे, कर्फ्यू लग जाता था। आज हमारे 10 साल के हुकूमत में एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगा, एक बार भी दंगा नहीं हुआ। ये बात आप समझ सकते हैं। उन दिनों हम जो कह रहे थे, हमारे जो खिलाफ थे लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। मैं कहा उस दिन, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तेलंगाना हासिल हो गया और आज माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, अकलियती बहबूदी के लिए हमने जो स्कूल खोले हैं उसको जूनियर कॉलेज बना दिए, क्योंकि सविता रेड्डी जी या मंत्री जी है और वो एजुकेशन मिनिस्टर भी है, इसलिए बेहतरीन जूनियर कॉलेजेस भी हमने खोल दिए। उन बच्चों को बेहतरीन तालीम हासिल हो रहा है। और एक बात आपके कान पर डालना चाहूँगा ज़रूर, हमसे पहले 10 साल कांग्रेस का हुकूमत था, उनके 10 साल के दौर में उन्होंने माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए खर्च किया सिर्फ 2000 करोड़ रुपया। हमारे 10 साल के हुकूमत में हमने माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए खर्च किया 12000 करोड़ रुपया। अब फर्क आप समझ सकते हैं, किसको मुसलमानों से प्यार है, कौन पार्टी आपको वोट बैंक बना के आपका वोट लूट लिया, ये सारे बात आप समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ के तमाम भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जब तक KCR जिंदा रहेगा तब तक तेलंगाना सेक्युलर रियासत ही बने रहेगा। हम लोग एक सेक्युलर रियासत है और सेक्युलर रियासत ही रहेंगे, ये हमारा उसूल है, हमारा पार्टी का उसूल है। जो हमारे तेलंगाना का गंगा जमुना तहजीब है, पूरे हिंदुस्तान में हम एक मिसाल है पूरे देश के लिए, इसीलिए इसको बरकरार रखेंगे। सारे भाई हमारे साथ हैं, हम हिंदू और मुसलमानों को दो आंख समझते हैं, हर किसी को हमारे साथ लेके चलते हैं। इस प्रकार से हम लोग बिना कोई मजहब व मिल्लत के, बिना कोई फ़र्क के हम लोग सीधे सीधे काम करते हैं। आज हम पेंशन देते हैं, मुसलमानों को मिलता है, बच्चों के लिए रेजिडेंशियल कॉलेज बनाते हैं, मुसलमान बच्चों को भी मिलता है, यानी कि हर चीज़ में सभी को साथ ले जाना हमारा काम है। और एक बात आप ज़रूर बात है आपके कान पे मैं डालना चाहूँगा, जो अवकाफी जायदाद जमीन है कांग्रेस के ज़माने में सारे लूट लिए थे, आज हम सोच रहे मुसलमान नौजवानों के लिए मक्शाए वंफ का जायदा लेके एक हम स्पेशल माइनॉरिटी बच्चों के लिए IT पार्क भी हैदराबाद में बनाने का मनसूबा सोच रहे हैं हम लोग। बाड़ी शरीफ के पास ही सविता जी कह रहे हैं जो माइनॉरिटी बच्चों के लिए जो बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल IT पार्क पहाड़ी शरीफ के पास ही सविता रेड्डी जी यहाँ खुलवा रहे, तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप लोग सविता इंदिरा रेड्डी को जिताइए। BRS सरकार एक ईमानदार सरकार है, हम रिश्वतखोर नहीं है, लोगों को हम लूटना नहीं चाहते। जितना भगवान या खुदा हमको बुद्धि दिया उस बुद्धि से लोगों का तरक्की के लिए हम काम करते हैं। इस चीज़ को समझते हुए आप लोग ज़रूर यहाँ से माहेश्वरम असेंबली हल्के से सविता इंदिरा रेड्डी जी को जिताइए, वो बेहतरीन मोहतरमा है, लोगों के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इतना कहते हुए मैं आपसे रुख्सत लेता हूँ।